हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट वाटर। वाटर से आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर हार्डनेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे आज के क्लास में। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वाटर हार्डनेस दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी वाटर हार्डनेस एंड परमानेंट वाटर हार्डनेस। अगर कोई वाटर हार्ड है बोले तो पानी अगर खारा है तो उसमें दोनों ही तरह के हार्डनेस मौजूद होता है। पानी में टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम लोग कहते हैं टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है दोस्तों? द कंबाइंड हार्डनेस और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोन एज द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल हार्डनेस, ठीक है, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पोररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, ओके, ये हो गया टोटल हार्डनेस। अब देखो दोस्तों, हम लोग जो हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पानी का जो हार्डनेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे कैलकुलेट करते हैं। अब क्यों करते हैं दोस्तों ऐसा? कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों, दूसरा कोई सॉल्ट क्यों नहीं? ठीक है, पानी में जो हार्डनेस होता है, खारापन होता है, उसमें और भी सॉल्ट है जिसकी वजह से खारापन आता है, लेकिन हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे ही क्यों निकालते हैं? इसके दो रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग मोलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसका जो एक मोलिक्यूल का जो वेट होता है वो कितना है दोस्तों? ठीक है, इसका मोलिक्यूलर वेट देखो, सबसे पहले कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम का वेट कितना है? 40, ठीक है, एंड कार्बन, कार्बन का कितना है दोस्तों? 12 होता है, एंड ऑक्सीजन का है 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, अगर इन सभी को ऐड कर करोगे तो फिर इसे मिलेगा 100, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर वेट है दोस्तों वो कितना है? 100, ठीक है, ये एक वजह है। अभी अगर 100 होता है तो कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होता है, ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट है 100, ओके, ठीक है। तो दूसरा वजह ये है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्युबल, ओके, मोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर इज द मोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब देखो, पानी में जितने भी सॉल्ट की वजह से, जितने भी नमक की वजह से हार्डनेस आता है, खारापन आता है, उनमें से, ठीक है, उनमें से कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मोस्ट इनसोल्युबल, ठीक है, बाकी सब नमक जल्दी से पानी के साथ घुल मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा लेट करता है, मतलब आसानी से नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये है दूसरा वजह, जिन इन दो रीज़न की वजह से हम लोग वाटर हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ हार्डनेस, यूनिट ऑफ हार्डनेस क्या है दोस्तों? पहला तो है PPM, ठीक है, PPM, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन PPM। PPM का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, एक मिलियन में कितना पार्ट नमक प्रेजेंट है वो है पार्ट्स पर मिलियन। एंड दूसरा यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, ये mg मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, मैं तो पहले इसको मैग्नीशियम कहने जा रहा था, लेकिन ये मिलीग्राम है, ठीक है, ये मिलीग्राम पर लीटर, एक लीटर में, एक लीटर पानी में कितना मिलीग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। तो ये दो यूनिट है दोस्तों जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ऑफ हार्डनेस, मतलब हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट आप याद रखिएगा, PPM एंड मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? आगे हम लोग अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे एंड फॉर्मूला निकालेंगे हार्डनेस मेजर करने का, ठीक है।
तो दोस्तों अब सवाल ये आता है, 1 ppm का मतलब क्या है या फिर 1 mg/l का मतलब क्या है। ओके, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछा जाता है, देखो सवाल इस तरह के पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर इज NPPM, ठीक है। तो वाटर हार्डनेस NPPM का मतलब क्या है, ओके या फिर यहाँ पे NPPM की जगह पे N mg/l भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पानी में खारापन NPPM है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। या फिर पानी में खारापन N mg/l है तो इसका मतलब क्या है, कैसे समझाएंगे दोस्तों। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी अभी कहा जो वाटर का हार्डनेस है उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे निकालते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं उसकी रीज़न भी मैंने बताई, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज NPPM, हार्डनेस ऑफ वाटर इज NPPM मीन्स मतलब क्या है, इन पार्ट्स ऑफ CaCO3, ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 1 million, 1 million बोले तो क्या दोस्तों, 10^6, 1 million पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। 1 million पार्ट्स ऑफ वाटर में इन पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज NPPM, ठीक है। अगर बात करें mg/l, mg/l, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे इसको, हार्डनेस ऑफ वाटर इज N mg/l मीन्स मतलब N mg ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट वन लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 liter पानी में N mg कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्रेजेंट होता है तो हम लोग कह सकते हैं वाटर का हार्डनेस N mg/l है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। इस तरह के सवाल आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे NPPM या फिर N mg/l क्या होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन पे चले जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने खारापन के रीज़न में कितने नमक होते हैं ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है, बाइकार्बोनेट नमक एंड क्लोराइड सल्फेट नमक, ठीक है। तो इस तरह के 9 नमक थे। तो अभी देखो, चाहे पानी में जो भी नमक प्रेजेंट हो, चाहे पानी में जो भी नमक प्रेजेंट हो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके आकार में, किसके टर्म पे, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे, ठीक है, क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे ही हार्डनेस को निकालना होगा। तो देखो अगर मान लेते हैं x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट इज प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, ठीक है। तो वाटर में क्या है दोस्तों, 1 gram ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, पानी में इतना नमक प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट निकालना होगा, सॉरी यहां पे पहले लिखो मोलिकुलर वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा दोस्तों, इसका मोलिकुलर वेट है 120, ठीक है, ओके। वहीं पे मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है याद होगा शायद आपको, 100, ठीक है, ओके। तो हम लोग मोलिकुलर वेट के टर्म पे भी निकाल सकते हैं हार्डनेस को, ओके, या फिर यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट बाई 260, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसका मोलिकुलर वेट लेना है, ठीक है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज,
अच्छा चलो मैं इसको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ इधर, मोले इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट, ठीक है, नीचे होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव वैलेंस, ठीक है, पॉजिटिव वैलेंस, पॉजिटिव वैलेंस लिखेगा यहाँ पे बेटर रहेगा, पॉजिटिव वैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है दोस्तों, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला मैग्नीशियम। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम आयन कैसा होता है, ऐसे होता है, तो इसका पॉजिटिव वैलेंस कितना है, प्लस टू, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टू से डिवाइड किए हैं, तो कितना मिला है, 60 मिला है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 60, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट 100 बाई कैल्शियम का जो पॉजिटिव वैलेंस है वो भी 2 है, ठीक है, तो ये होगा 50, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हार्डनेस निकालने का दो फॉर्मूला होगा, पहला तो मोलिकुलर वेट से, दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट आप फटाफट से लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल। तो हम लोग लिख सकते हैं 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कितना है 100, इसका मोलिकुलर वेट है 120, ओके। मतलब हम लोग अगर देखते हैं एक मोलिक्यूल मैग्नीशियम सल्फेट पानी में प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे हार्डनेस को, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि पानी में एक मोलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंट है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के आकार में, ठीक है, ओके। तो एक मोलिक्यूल मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कितना है 120 ग्राम्स, एंड एक मोलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है 100 ग्राम, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, अगर हम लोग बात करें x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है, ये x क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये 120 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे ये हमारा हार्डनेस निकल गया है, किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला कैसा होगा, तो आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, फॉर्मूला ऐसा होगा x, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये होगा आपका फॉर्मूला मोलिकुलर वेट की टर्म पे, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट के टर्म पे ये निकलेगा फॉर्मूला। अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट के टर्म पे निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 60 ग्राम, यहाँ पे 60 ग्राम, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना था कैल्शियम कार्बोनेट का 50 था, तो x यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे होगा 60, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू 50 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हार्डनेस का फॉर्मूला है ये, मोलिकुलर वेट के टर्म पे ये वाला फॉर्मूला, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये हम लोग इसी क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि दो प्रॉब्लम को हम लोग आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, एंड मैं यहाँ पे एक चार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, एक चार्ट में दे रहा हूँ, जिसमें कि और भी कुछ नमक का जो मोलिकुलर वेट है वो मैं वहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में बहुत ईजी होगा, किसी भी सॉल्ट का मोलिकुलर वेट आपको अलग से निकालना नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए फटाफट से। देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ, पहला नमक CaHCO3, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है दोस्तों, ये हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, 162 कैलकुलेट करेंगे तो 162 मिलेगा आपको, एंड उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक का अगर निकालता हूँ, देन उसके बाद CaCl2, ठीक है, MgCl2, ओके, CaSO4, ये कुछ नमक का नाम मैं लिख रहा हूँ जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है कि ये कुछ नमक है जिसके वजह से क्या आता है दोस्तों, हार्डनेस आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अगर हम लोग मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये कुछ निकलेगा 146, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का है 111, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निकलेगा 96, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये 95 होगा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड 95 होगा, एंड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कितना है 136, ओके, एंड मैग्नीशियम सल्फेट अभी अभी हम लोगों ने निकाला इसको 120, ठीक है। तो ये कुछ नमक के मोलिकुलर वेट निकल गया है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पानी में जो नमक प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये वाला मोलिकुलर वेट लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं पानी में है कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको यहाँ पे लिखना है ये वाला 111, ठीक है, उसको मान के कैलकुलेट करना है। चलो अभी देखो, अभी ये तो हो गया, ये मोलिकुलर वेट आप फटाफट से लिख लीजिएगा, ये क्या है सॉल्ट, ठीक है, एंड ये है मोलिकुलर वेट, ओके, ठीक है ना। चलो फटाफट से लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, एंड ये कुछ नमक के मोलिकुलर वेट लिख लो। तो दोस्तों न्यूमेरिकल से पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देख लेंगे मिलीग्राम पर लीटर के साथ ppm का, ठीक है, तो क्या रिलेशन है उसको भी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन ppm एंड mg पर लीटर, ठीक है, ओके, रिलेशन बिटवीन 1 ppm एंड मिलीग्राम पर लीटर, ओके। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर, ओके, 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो क्या होगा 1 मिलीग्राम पर लीटर बोले तो 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस का मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो देखो अब क्या है, हम लोग लीटर को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों को रहने देते हैं, लीटर को कन्वर्ट करेंगे, लीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 cc, ठीक है, इजिकल टू होता है 1 लीटर, ठीक है, 1000 cc इजिकल टू होता है 1 लीटर, ये याद रखिएगा, 1 लीटर इजिकल टू 1000 cc, ठीक है। अगर हम लोग cc को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ओके, 1 लीटर ऑफ वाटर इजिकल टू 1000 cc, cc बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर ये सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1000 cm³, ठीक है। अगर इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। अभी ग्राम को आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, 10^6 mg, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं दोस्तों, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, अभी आप ये इसको ना आप बीच में कहीं लिखिएगा, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी इसी स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10^6 mg ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 10^6 बोले तो 1,000,000 mg ऑफ वाटर में 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, अभी मिलीग्राम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10^6 parts ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट देखो, अलग कुछ नहीं, मिलीग्राम के जगह पे हम लोग पार्ट लगा दिए हैं, तो लगा सकते हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, एक ही तरह का स्टेटमेंट है, ओके। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, अगर 10^6 part ऑफ वाटर में एक पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको 1 ppm, ठीक है। तो आखिर में हमारा रिलेशन क्या आया दोस्तों, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm, ठीक है, मतलब मिलीग्राम पर लीटर एंड ppm दोनों सेम यूनिट है, ठीक है, ओके, जो ppm वही मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना।
चलो ये रिलेशन को फटाफट से आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही काम का रिलेशन है एंड कभी कभी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकता है कि 1 mg/L इजिकल टू कितना ppm। ठीक है, ये भी पूछ सकता है या फिर इसको एस्टेब्लिश करके दिखाना भी हो सकता है। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। अभी मैं पूरा इरेज कर देता हूँ एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं बोर्ड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्या कहा गया है, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स 0.012 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट पर लीटर। ठीक है, एंड ब्रैकेट में यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास दिया गया है 24, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। जनरली ये सारे वैल्यूज आपको दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड करना चाहेगा तो ये वैल्यूज आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा अलग से। ओके, तो देखो हमें क्या कहा गया है, अगर पानी में है प्रति लीटर पानी में इतना ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है तो उस पानी का खारापन कितना है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ओके, तो देखो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट पर लीटर वाटर कितना 0.012 ग्राम। ओके, इसको हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले तो हमें इसका मोलिकुलर वेट निकालना होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ MgSO4। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या कैसे निकालेंगे, इसका देखो फॉर्मूला के देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है दोस्तों, एक है तो इसका एटॉमिक मास यहाँ पे लगा देंगे, प्लस सल्फर एक है तो इसका भी लगा देंगे, एंड ऑक्सीजन चार है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से निकालते हैं, ये दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 6 प्लस ये होगा 64, तो टोटल आएगा 120 ओके ग्राम, ये हमें मिल गया है। तो डायरेक्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, x × 100 अपन में क्या है दोस्तों, अपन में मोलिकुलर वेट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x का वैल्यू है 0.012 एंड 100 तो यहाँ पे पहले से ही था, एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट जो हम लोगों ने निकाले हैं इसको यहाँ पे लगा दो एंड ये कैलकुलेट करो फटाफट से, क्या मिलेगा 0.012 × 100/120 मिलेगा 0.01 ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी के सभी वैल्यू हम लोगों ने किस में बैठाए थे दोस्तों, किस में लगाए हैं, ग्राम पे लगाए हैं। ठीक है, ये भी ग्राम पे था, ये भी ग्राम पे एंड 100 तो वो भी ग्राम पे था, तो ये जो निकला वो है ग्राम पर लीटर, लेकिन हमारा हार्डनेस का यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर लीटर या फिर पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर में लाना होगा, तो ग्राम से मिलीग्राम ले जाने के लिए कन्वर्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है, बोलो फटाफट से बोलो, ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। देखो ग्राम से अगर मिलीग्राम ले जाना चाहते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम मिलीग्राम पे। ओके, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अभी मिलीग्राम पर लीटर को हम लोग ppm से भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 10 ppm। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, काफ़ी इजी था, काफ़ी सरल था फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है। ओके, या फिर आप इक्विवेलेंट वेट से भी इसको निकाल सकते थे, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, इसका होगा 60 एंड यहाँ पे आपको 50 लगाना था, 50/60 हो जाता, आखिर में यही वैल्यू आता एंड इस तरह से हम लोग निकालते तो हमें 10 ppm ही मिलता। ठीक है, आप वो अलग से ट्राई कीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो अलग से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलो ये था पहला प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम पे चले आते हैं, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम दिया जाएगा दोस्तों, एंड नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग EDTA मैथड सीखेंगे, ठीक है ना,
EDTA मेथड जब हम लोग सीखेंगे तब हम लोग वहाँ पे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का रहेगा। एंड ये तो काफ़ी सरल लेवल का था, तो इस तरह की न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं दो मार्क्स के लिए। एंड थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए यहाँ पे दो या फिर तीन नमक आपको दे देगा, ठीक है। तो दो या फिर तीन नमक आपको दे देगा तब आपको हार्डनेस निकालना होगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन दो तीन बार आपको करना होगा, जितना सॉल्ट दिया जाएगा उतने बार आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा प्रॉब्लम भी लिख लेता हूँ। सो दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम में कहा गया है कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर 1 लीटर ऑफ विच कंटेन्स 0.001 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो एक वाटर सैंपल हमें दिया गया है जिसके प्रति लीटर पानी में कितना 0.00 मोल मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस पानी का हार्डनेस क्या होगा ये हमें निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा दोस्तों 1 मोल। देखो मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो ये होगा 120 ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट कितना है 120 ग्राम्स, ठीक है। तो वहीं पे 0.001 मोल मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कितना होगा 0.001 × 120, ये होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0.001 × 120 करने से हमें मिलेगा 0.12, तो 0.12 ग्राम, ओके। तो हम लोगों ने 0.001 को अभी ग्राम पे कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट है 120 ग्राम, तो इतना मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिए हैं बस इतना मिल गया है। तो 1 लीटर पानी में कितना मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है दोस्तों 0.12 ग्राम, ओके। तो इसका हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस का फॉर्मूला हमें पता है, हार्डनेस ऑफ वाटर एक्स इंटू 100 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे 0.12 इंटू 100, नीचे होगा 120, ओके। तो 0.12 इंटू 100 करो, डिवाइडेड बाय 120 कर दो, तो ये मिलेगा 0.1 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में 0.1 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये ग्राम पे निकला है तो इसको फिर से मिलीग्राम पे कन्वर्ट करो, मिलीग्राम पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 0.1 × 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा, 100 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 100 ppm, ठीक है। तो इस पानी का हार्डनेस क्या निकला दोस्तों, 100 ppm, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो काफ़ी आसान होगा, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में जाएंगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा। इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो चॉइसेस हो, एक डिफ़िकल्ट वाला एक आसान वाला, तो हम लोग आसान वाला ही चूज़ करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पे, ठीक है, अगर डिफ़िकल्ट करने जाते हैं तो क्या होगा, वो गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। एंड वहीं पे अगर हम लोग आसान वाला करते हैं तो आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, एंड टाइम भी कम लगेगा। तो कौन सा करेंगे दोस्तों, आसान वाला करेंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट वाला हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। आपके पास अगर कोई केमिस्ट्री किताब है, ठीक है, केमिस्ट्री का अगर कोई किताब है वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स और भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। किताब में चाहे जो भी हो, किताब में चाहे जो भी रूल फॉलो किया गया हो, आप इसी तरह से करिएगा तो आसान लगेगा। एंड आंसर में देखिएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। किताब में अलग प्रोसेस से भी करा जा सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा, ओके। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे की क्लास में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे पास वाटर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक रह गया है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने जो कुछ भी करा है ये पांचों क्लासेस में, फिर भी उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे पास रह गया है। पहला तो EDTA मेथड, ठीक है, EDTA मेथड के सहारे हम लोग कैसे वाटर हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे, ये है एक। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है।
तो ड्रिंकिंग वाटर का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो पानी हम लोग पियेंगे उसका कुछ प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, गुणागुण तो होना चाहिए, ऐसे ही हम लोग कोई भी पानी तो नहीं पी सकते, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड एक और क्लास आएगा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन म्यूनसिपलिटी एरियाज़, ठीक है। तो म्यूनसिपलिटी एरियाज़ में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, ओके। एंड आपके सिलेबस में वो BOD COD वाला भी है, शायद BOD COD वाला भी है, वो हम लोग वही म्यूनसिपलिटी वाले क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब और भी 3 क्लासेस आएगा, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था जिसलिए 3 दिन से मैं कोई क्लास अपलोड नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा सुधार आया है इसीलिए कर रहा हूँ क्लासेस। एंड आई होप अभी मैं क्लास कर पाऊँगा, अगर तबीयत अच्छा होता है रहता है तो फिर ज़रूर क्लास दूंगा, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो फिर क्लास नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मेरे तबीयत पे, ओके दोस्तों। चलो अपना ख्याल रखना, एंड मैं खुद का भी ख्याल रखूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।